गुड मॉर्निंग गाइस, वही हुआ जिसका डर था। 99.9% में श्योर था और मैंने बोल भी दिया था कि ऐसा हो जाएगा, बट कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आया, बट यूट्यूब ने मेरी वीडियो को उड़ा दिया। वो स्ट्राइक नहीं है इसलिए मेरा चैनल सेफ है, बट यूट्यूब भी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है कि ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना जिससे जनता को बैड इम्प्रेशन पड़े। बट यूट्यूब भी है थोड़ा सा सियाना है, कुछ कंडीशंस इसकी ऐसी है जैसे हेटर्स हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं ना गलत बोल के, करेक्टर असैसिनेशन करके, उसको सुन के चाहे सामने वाला बंदा या जिसके लिए बना रहे हैं वो कर सकता है ना, तब यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम कोई मैसेज दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उन बातों को ये सोच रखे शायद हम प्रवोक कर रहे हैं उन चीज़ों को, शायद वो मेरे को ही गलत समझने लग पड़ा कि अंकुश शायद करने लग पड़ा है, तो मेरे को बड़ी लंबी चौड़ी सी मेल्स तो दे दी, एक रिमूवल की, एक मेरे को हेल्पलाइन नंबर दे दिया कि इस जगह पे फ़ोन करो, हम आपके साथ हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। भाई मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, मजबूत बने रहो। तो यूट्यूब कह रहा कि मैंने पूरा रिव्यू किया, वो डर गए कि अंकुश ही ऐसा कर रहा है, उसने वीडियो रिमूव करवा दिया ताकि ऑडियंस को गलत इंप्रेशन ना पड़े। तो गाइस मेरा जो वीडियो वो रिमूव हो चुका है, मैंने अपील भी डाला था, अपील में मेरे लास्ट के एक क्लिप था ना उसको या तो ब्लर वगैरह कर देता, बट मैं अभी किसी तरह का रिस्क नहीं लूँगा, बट एक वीडियो जरूर लास्ट में ऐड कर दूंगा। हमारे प्रिय चेयरपर्सन ऑफ वुमेन मनीषा गुलाटी जी का और दूसरा जो लड़के वाला वीडियो है वो आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जो कि अभी तक लग चुका है, आप जाके देख सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंकुश अग्निहोत्री, जाइए और ज़्यादा स्टोरी को देखिए और मेरे को फॉलो भी कीजिए। अब देखना है तो वही फॉलो भी करके जाना है ना, एक पंथ दो काज वाला काम। तो बस यही बोल रहा था, मजबूत बन के रहना, कुछ नहीं रखा, बहुत सी चीज़ें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, सही टाइम आने पर मैं बताऊँगा अगर लगा। और इस वीडियो को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, मेरा जो लाइफ का चला हुआ है इनके साथ कंसर्न मत करना, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, वो अलग मैटर है, उजागर है, ये तो नहीं है कि अब नया लेके आए हैं, बट वो मेरा अला आराम से कोर्ट में चलाऊँ, बट मैं अपने जैसे लड़कों को और लड़कियों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेज पर, कोई भी स्टेज आ जाए, बुरी से बुरी, आपको ऐसे बुरे कदम नहीं उठाने, मजबूत बनना है, लड़ना है, टाइम आएगा, निकल जाएगा। यही मैं अपनी वीडियोस में बताता था, आज हंसता हूँ अपने उन एक्ट्स को कि हम कुछ तू ये सोचता था, बट किसके लिए, क्यों, टाइम निकल जाता है शुरू शुरू में। वही इस लड़के ने चलो कर लिया, परेशान था क्योंकि मैंने लगाया हुआ था, मोटिवेट किया था, बट यूट्यूब ने उड़ा दिया कि, बट यूट्यूब को ये चीज़ नहीं दिखाई देती अगर यूट्यूब वाले सुनते हैं कि हम जो लोगों के लिए एक रिएक्शन देते हैं गलत तरीके से, तो जिस रिएक्शन की वजह से एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ के करेक्टर असैसिनेशन पे, उसको अब्यूज़ करके, उसकी बॉडी शेमिंग करके, बड़ी बड़ी कम्युनिटी गाइडलाइंस तो बनाई हुई है, क्या आपका क्या कहते हैं एल्गोरिथम उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करता? अगर उन चीज़ों को देख के जिसके लिए बनाई जाती है, या अपने ऊपर इंसान कोई भी बंदा अपने ऊपर ले जाए, उस वजह से अगर कोई बंदा अपने आप को सेल्फ हार्म कर ले, तो क्या उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप नहीं कुछ देखते कि हाँ हमें इन चीज़ों को कुछ चेंजेस करने चाहिए, ऐसे कंटेंट नहीं आने चाहिए यूट्यूब पे, तब उन वीडियो को रिमूव क्यों नहीं किया जाता? आपको एक सिंपल सी अंकुश अग्निहोत्री की वीडियो को देख के, जो कि मैंने जस्ट एक मोटिवेट किया, आपने पूरा भी नहीं देखा, आपने सोचा कि शायद अंकुश का वीडियो है, ये गलती मैसेज देखा है ना, बड़ा आधी अधूरी बातें देख रहा है, सुन रहा है ना, अपने मतलब के लिए, जो इसको अच्छा लग रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है, जो इसको अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि ठीक है ये ऑडियंस को दिखाने के लिए अच्छा नहीं था, मैं इम्प्रूव करता हूँ उस चीज़ को, बट जो चीज़ें और चल रही है क्या उनके लिए आप कुछ हार्ड पॉलिसीज बनी है? और बहुत बार मैं स्पोर्ट टीम से भी कनेक्ट किया, अलग अलग चीज़ों के साथ मैंने डील किया, बट किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इन चीज़ों के लिए भी गौर फरमाइए कि कोई बंदा किसी को इनडायरेक्ट तरीके से भी परेशान ना करे, ताकि कोई भी बंदा अपने ऊपर
बातों को लेके अपने साथ गलत ना करें। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों में सुधार किया जाए। मेरा स्पेशली वीडियो था YouTube टीम के लिए कि YouTube टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आपको दिखाई देती है जिससे पब्लिक को हम गलत मैसेज दे रहे हैं तो फटाफट से उड़ा रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी आप गौर फरमाइए कि जो किसी को गलत तरीके से मेंटली सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग करके मेंटल हरासमेंट की जा रही है उसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। कहीं वो आपकी जो छूट दे रखी है ना उन चीज़ों के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी गलत बना के अपने लिए क्या कहते हैं गलत स्टेप उठा सकता है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जब कोई बंदा रिएक्शन दे रहा है तो उसका नेम को यूज़ नहीं करता, लेकिन लोगों की इंटेंशन, ऑडियंस की इंटेंशन पता होती है कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। चाहे हमारे केसेस ले लो, चाहे अभी रिसेंटली अभी जो पीछे केसेस हो रहे, मैं नेम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी अपना कैसे एक क्रिएटर परेशान हो रहा है, क्रिएटर की फैमिली परेशान हो रही है, उसके साथ साथ ऑडियंस परेशान हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कोई भी आ रहा है रिएक्शन दे रहा है गलत तरीके से। रिएक्शन होता है वीडियो के ऊपर एक सही तरीके सभ्य भाषा में दिया जाए तो सही है। आजकल रिएक्शन कैसे दे रहे हैं? बॉडी शेमिंग करके, करेक्टर शेमिंग, करेक्टर असैसिनेशन करके, फेस बगाड़ के, फैमिली को गलत बोल के, मैनिपुलेटिव स्टोरियाँ सुना के। तो उन चीज़ों के लिए भी आप गौर फरमाइए ताकि तो वहाँ पर ढूंढ रहे कि अगर आपसे बात करें कि हाँ भी आपके लिए नहीं, आपकी फ़ोटो नहीं यूज़ की, आपका नेम नहीं यूज़ किया, लेकिन क्या होता है कि जो ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट होती है वो ही रिएक्शन वालों के साथ कनेक्ट होती है। तो जो ऑडियंस होती है वो आपस में समझ रही होती है, और क्रिएटर भी समझ रहा है कि कौन सी बात उसके ऊपर आ रही है, कौन सी दूसरी जगह पर जा रही है। तो इन चीज़ों से भी बहुत एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज़ अपनी इन पॉलिसीज पर थोड़ा सा चेंज किया जाए कि ताकि एक फेयर कंटेंट ही हर क्रिएटर अपना दिखा पाए और इन चीज़ों का मिसयूज़ ना किया जाए और एक सभ्य लैंग्वेज में हम चीज़ों को का रिएक्शन दे सके। गाली गलोच करके नहीं, उस करके, बॉडी शेमिंग करके, करेक्टर असैसिनेशन करके नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी तो आपको एल्गोरिथम में, ऑटोमेटिक एल्गोरिथम में आपको दिखनी चाहिए, है ना। या दिख रही है तो, या फिर अपने मतलब के लिए आप उन चीज़ों को रिमूव नहीं करवाना चाहते, वे बड़ी सी मेल लेके आप भेज देते हो कि ये तो हमारे इन देशों में अलाउ है। तो बस ये था फिलहाल, जो ये वाला कंटेंट था मेरा रिमूव किया यूट्यूब ने, कोई अच्छी बात है, उसमें मेरे को चेंजेस लानी है, ठीक है। बंदे को एक्सपीरियंस होता है, मेरे को 99% पता था कि ये चीज़ हो सकती है, तो मैं पहले ही प्रिपेयर था। बट हाँ, थैंक्स, मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, बट मेरा वीडियो रिमूव हुआ, तो वीडियो में एडिट करके अभी इस वीडियो के बाद मेरा वो दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो देखना उसको, प्यार देना, क्योंकि अंकुश अग्निहोत्री के एक सॉलिड बातें हैं वहाँ पे, जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एक अच्छा मैसेज है आने वाले यूथ के लिए, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कि हमें किसी भी स्टेज पे अपने लिए गलत स्टेप नहीं उठाने। यूट्यूब जी, मैंने भी यही बोला था, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, फटाफट से रिमूव कर दिया, एक अच्छा मैसेज ही दिया था। हाँ, अगर वहाँ पे आपको क्लिप कट करना था तो आप उसके लिए एक स्पेशल बोल सकते हैं, आपका ये वाला क्लिप एक गलत मैसेज दे रहा है, तो उसके लिए आप एडिट कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे हम एडिट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ टाइमिंग दी जाए कि इस पीरियड के बीच में आपको एडिट करना है या उस पार्ट को हटाना है, क्योंकि यूट्यूब के बीच में भी तो हम एडिट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को मत हटाओ, पूरी वीडियो को समझो कि हमारी क्या वीडियो है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आंखें बंद करके फटाफट से रिमूव मत करो, एक क्रिएटर को बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए गाइस, जो मेरा वो वाला वीडियो था जो रिमूव हुआ, इस वीडियो के बाद आ जाएगा, और जो मेरी जो दो वीडियोस थी जिसकी वजह से मेरा वीडियो रिमूव हुआ है, या मेरे कुछ वर्ड्स से मैंने उन चीज़ों को एडिट किया है, और जो वीडियोस रिमूव हुई है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंकुश अग्निहोत्री 89। ये देखिए स्क्रीनशॉट पे आपको दिख भी रहा है, इसको स्कैन कीजिए या फिर टाइप करके फॉलो कीजिए, है ना। और बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 बाय। हाँ, और अगला वीडियो देखना जरूर, उसके बाद अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि एक मैसेज है आने वाले टाइम में, चाहे इसकी जगह पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है, लड़का भी सही हो सकता है, लड़की भी सही हो सकती है, है ना। बट ब्रेव होके लड़ना है। मेरे स्पेशल उस लड़के को देख के बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मेरा ये वीडियो था, यूट्यूब को भी अच्छा नहीं लगा, डिलीट कर दिया। यूट्यूब टीम के लिए है कि अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ अपनी पॉलिसीज में चेंज कीजिए, आने वाले टाइम में इसको और बढ़िया बनाइए। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे टिकटॉक में बहुत गंद पड़ गया था ना, टिकटॉक इंडिया से चला गया था, आज के टाइम में जो आपने शॉर्ट की पॉलिसीज दिखाई, शॉर्ट्स निकाले हैं ना, कि हाँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स, हाँ अच्छी बात है, हम मिनी व्लॉग्स या शॉर्ट्स डाल रहे हैं, अच्छा, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट के लिए ही अलाउ कीजिए, बहुत गंद हो चुका है शॉर्ट्स में। अभी रिसेंटली मैं तो बहुत अच्छा समझता था यूट्यूब बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब कि वैसे नहीं, अब तो मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी अपनी
लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, चाहे शॉर्ट्स में, चाहे कहीं ऐसी जगह जो तो इसको दिख रहा है या ऑटो डिटेक्ट हो रहा है उसको तो रिमूव कर रहा है यूट्यूब, अदरवाइज काफ़ी गंद पड़ना स्टार्ट हो गया इधर, सेफ नहीं लग रहा हमें यूट्यूब।